मगध की साम्राज्यवादी नीति क्या की शुरुआत कौन कर रहा है? बिंबसार। कहां से? अंग से। और उस साम्राज्यवादी नीति का चरमोत्कर्ष, उसको पीक पर कौन पहुंचाता है? अशोक। किस कब्जे से? कलिंग। अंग से कलिंग, बिंबसार से अशोक। इस धारा ने भारत में एक साम्राज्य को जन्म दिया। पहला वंश हर्यंक, जहां से मगध के साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत होती है। दूसरा वंश शिशुनाग। तीसरा वंश, जिसका आमतौर पर सभी ने नाम सुना, नंद वंश। उसका प्रमुख शासक महापद्मनंद, उपाधि एक राठ, एकमात्र राजा, महाक्षत्रांतक, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। लेकिन धनानंद शायद प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत, हर चीज के सिद्धांत हैं, नियम हैं, लॉ हैं। अगर आप उस नियम को नहीं समझते तो आपका मिटना स्वाभाविक है। राजा, राजा के दो पिलर, एक उसका प्रशासन, उसके अधिकारी, और दूसरी प्रजा। राजा के दो मुख्य पिलर जिसपे वो टिका होता है, एक प्रशासन तंत्र, उसके अधिकारी, उसके मंत्री, और दूसरी प्रजा, जनता। और अगर दोनों पिलर हिल जाएं तो राजा खतरा में पड़ेगा, और वो भी राजा उसे उस समय हिलाए जब विदेशी आक्रमण का दौर हो, ईरानियों को रिप्लेस कर यूनानी भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रीक्स। और ऐसी ही पृष्ठभूमि में एक अति सामान्य व्यक्ति किसी भी परिवार से रहा हो, था तो भारतीय। मैं भारत और भारतीयों की गौरव गाथा गा रहा हूं। आपको भी नहीं मतलब होना चाहिए किसी के वर्ण से, किसी की जाति से, किसी के धर्म से। डॉक्टर देखते हो तो जाति पूछते हो, डॉक्टर से मिलने जाते हो तो धर्म पूछते हो, तब तो कहते हो डॉक्टर साहब बचा लीजिए डॉक्टर साहब। जब डॉक्टर ढूंढते हो बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, जब टीचर ढूंढते हो बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, तो राजनेता भी देखो बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, तभी तो भारत महान बनेगा, तभी तो भारत महान बनेगा। भाई तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे जात का डॉक्टर है, लेकिन 5 ऑपरेशन किया है और 4.5 लोग मर चुके हैं, 5वां कोमा में है, दिखाओगे? नहीं दिखाओगे ना। तो वही पैमाना राष्ट्रनायक का भी रखो, राजनेता का भी रखो। भारतीय चुनेंगे जिसके अंदर महानतम लक्षण हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य मेरे लिए भारतीय है।